एक काम करते हैं, भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए सेकंड सेशन में, तो एक बार पहले भसीन साहब से उनका जरा ट्रेड और उनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं, फिर कुछ और शेयर पता करते हैं। लेके आइए जरा भसीन साहब को, स्वागत करते हैं उनका। ओके, भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर पहले तो सैटरडे, कोई बात नहीं, सैटरडे के बीच में भी आपका हमको समय मिल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल लिया। थोड़ा सर गाइड कीजिए सर, बाजार को कितनी जल्दी है, एक ही दिन में देखो ना क्या फटाफट से रिकवरी की कल उसने, और कल डेज हाई, मार्केट ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आप मेरे को तो संडे को भी बुला लो ऐसे बाजार में, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से तो संडे को भी रख लीजिए। और आपको कहा कि बैंक्स में इतनी अंडर ओनरशिप है कि एक दिन में 1000 पॉइंट, पहले तो शॉर्ट कटेंगे फिर लॉन्ग बनेंगे, अभी तो शुरुआत है। इस समय आपको अपना चूज करना है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा मौका है, बैंकों में बहुत अच्छा मौका है। आपको मैं कब से कह रहा था, आरबीएल बैंक देखिए आज 275 बिक गया, कल 275 बिक गया। अभी भी मैं सोचता हूँ आईओसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी और एयू बैंक, ये चार शहरों में आप नव नोट करिए और इनमें आपको पैसा बनेगा, थोड़ा सा निवेश का संस्कार कीजिए। आईओसी आज ही आया है, एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दी, तो ये जो वहम था कि कोई प्राइस हाइक प्राइस कट होएगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आईओसी सेइंग बिजनेस इज बैक एज यूजुअल, और ये करेक्शन मुझे लेने के लिए मौका है आईओसी, एचपीसीएल। ओएनजीसी में आप देख ही सकते हैं कि इट इज बीन एन आउट परफॉर्मर, और मेरे को बहुत बहुत उस पर मैं बुलिश हूं। चौथा है मेरा पिक एयू बैंक, जो मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंकिंग में ग्रोथ आई है, एयू बैंक इस क्वार्टर से बहुत स्ट्रांग नंबर देगा, और उसका क्रेडिट बहुत फास्ट एक्सपैंड, प्लस उसकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज इज एक्चुअली कीपिंग पेस। और फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एचडीएफसी बैंक 1350 इस साल में नहीं आएगा, 1470 के ऊपर क्लोज हुआ तो 1540 का आपको भाव दिख जाएगा, ये 2-3 दिन की बात है। ठीक है सर, सर मैंने आपके सारे शेयर नोटिस कर लिए, मेरे को आपका ये भी अच्छा लगा था जब आपने एचडीएफसी की सिप शुरू करवाई, आपने कहा 1350 तो नहीं आएगा, अब आपको इसके ऊपर ही देखना है, अब हम उसके ऊपर भी देख रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग पे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है सर। ये जो एयू स्मॉल फाइनेंस अभी आपने दिया है सर, इसके बारे में थोड़ा और बताओ, क्यों इसको प्लस करना चाहिए, थोड़ी और रीजनिंग दो सर हमको आप। तो देखिए सिंपल है, जिस तरह से ये बैंक ने एक्सपैंड किया था, इसके लिए भी डिपॉजिट की फ्रेंचाइज में थोड़ी सी ढील आई थी और क्रेडिट एक्सपैंड करना था, तो इन्होंने अपनी बुक को थोड़ा सा कर्टेल कर दिया। अब जिस तरह से वापस ग्रोथ आ रही है और आप जीडीपी नंबर देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट रूरल इनकम्स पे होगा, और अगर आप देखें ये राजस्थान, महाराष्ट्र और अक्रॉस स्टेट्स, सबसे ज्यादा मध्य भारत में सबसे बड़ा बैंक है एयू स्मॉल बैंक, आई थिंक वैल्यूएशन वाइज सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहा है। और अगर अगर बैंक निफ्टी ने 50,000 जाना है तो फिर एयू बैंक और जो सेकंड प्रॉक्सी बैंक्स हैं, मैं उनमें ज्यादा दारोमदार, मुझे अब कैन बैंक और पीएनबी से प्रॉफिट लेना है, और एयू बैंक और आरबीएल बैंक ये दोनों मेरे लिए बहुत अहम बैंक्स हैं जो यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। देखिए डिम्पी जी, भाव भगवान से, गुजराती में कहावत है, भाव भी तो देखना है मेरे को किस भाव पे मैं क्या ले रहा हूं। जब मेरे को भाव का कंफर्ट है तो मुझे कोई चिंता नहीं कि आज नहीं तो कल ये शेयर आपको चल के ही देंगे, और अर्निंग्स विल बी अ कैटलिस्ट।